गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज भी हम एक्सरसाइज 4.2 ही कंटिन्यू करेंगे। पहले 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8-14 शो दैट, यहां भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स ही यूज करनी है, बट एक्सपेंड करना है या नहीं करना ऐसा कुछ नहीं कह रखा। विदाउट एक्सपेंडिंग उसने ऐसा नहीं कर कह रखा, तो जहां हमें मौका मिलेगा और हमें इजी लगेगा हम एक्सपेंड करके भी शो कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक डिटरमिनेंट आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। शुरू करते हैं हम, अप्लाइंग जीरो तो हमें करना ही करना है, बट ए माइनस बी और बी माइनस सी ये भी लेके आने हैं। सो अप्लाइंग रो वन पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, रो वन माइनस रो टू। दूसरा ऑपरेशन रो टू पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, रो टू माइनस रो थ्री। ठीक है, सो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू लिख देता हूं मैं, वन माइनस वन, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट रो का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 1 है, सेकंड रो का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, सो आपको करना क्या है, फर्स्ट रो में से और सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करनी, गॉट इट। चलिए, सो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। ऐसे ही रो टू में भी ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है, रो टू का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और रो थ्री का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, रो टू का फर्स्ट एलिमेंट है बी और सॉरी रो टू का सेकंड एलिमेंट है बी और रो थ्री का सेकंड एलिमेंट है सी, तो बी माइनस सी हो जाएगा। रो टू का थर्ड एलिमेंट है बी स्क्वायर और रो थ्री का थर्ड एलिमेंट है सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, देखिए थर्ड रो पे हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, सो वो एज इट इज, सो वन सी सी स्क्वायर, गॉट इट। ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है आपने, किस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर दिया आपने, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, यूजिंग प्रॉपर्टी 6। ठीक है, ओके जी, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सो डिटरमिनेंट 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 एज इट इज, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये एज इट इज लिख लेते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ठीक है, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है आपकी, सो ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ठीक है, ओके, यूजिंग दिस, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में बी माइनस सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी एंड सी स्क्वायर एज इट इज, सो टेकिंग आउट, अब क्या है, कॉमन ले लेंगे हम, सो टेकिंग आउट a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम, किस किस में से लेंगे, एक तो रो 1 से ले रहे हैं और एक रो 2 से ले रहे हैं, a माइनस बी रो 1 से और b माइनस सी रो 2 से। सो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, b माइनस सी मल्टीप्लीकेशन में आ गया, डिटरमिनेंट आपका क्या रह गया, 0 0 1, यहां 1 यहां 1 सी और ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर, ये आपका डिटरमिनेंट रह गया। आप ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इसको यहीं एक्सपेंड कर दूं, यहां भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप, यहां एक्सपेंड नहीं करना चाहते आप तो एक ऑपरेशन और कर सकते हैं कि इन दोनों में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रो वन को रो टू से कर दीजिए या रो टू को रो वन से कर दीजिए, तो एक जीरो और मिल जाएगा आपको, गॉट इट। करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो यहां भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप, सो यहां एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंडिंग अलोंग, इसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहेंगे, जिसमें मैक्सिमम जीरो है तो वो कॉलम वन में है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग
कॉलम वन, ठीक है। चलिए, सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब जो कॉलम वन है उसमें ये जो एलिमेंट है ये तो दो जीरो हो गए, ठीक है, इनके अलोंग तो एक्सपेंड करना नहीं हमें, थर्ड एलिमेंट बचा आपका ये, सो ये क्या कैसे लिखा जाता है, ए थ्री वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो ए माइनस बी, बी माइनस सी, माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं और आई प्लस जे इसकी पावर में, सो इस केस में आई यानी रो है थर्ड और जे यानी कि कॉलम है वन, एलिमेंट क्या है आपका वन, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचा वो क्या है, वन ए प्लस बी एंड वन बी प्लस, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, ए माइनस बी, बी माइनस सी, माइनस वन पे पावर है फोर, इवन पावर है तो माइनस वन प्लस में चेंज हो जाएगा, सो प्लस वन मल्टीप्लाई प्लस वन, वन ही रह गया आपका, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो इससे आएगा आपके पास बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, यानी कि माइनस ए माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए बी से बी कैंसिल आउट, सी माइनस ए बच गया, यानी कि डिटर्मिनेंट अब आपका क्या आया, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी मल्टीप्लाई सी माइनस ए, ये आपका फाइनल आंसर है, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, सो प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपको। एट्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी एक डिटरमिनेंट आपको गिवन है और ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये आपको प्रूव करना है, शो करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। सो यहां भी जो फर्स्ट रो है उसमें देखिए वन 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 है आपके पास, तो उनको जीरो करने की कोशिश करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं जैसे ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, सो इनको लेके आने की कोशिश करेंगे। सो यहां आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम जिसमें कि आपके पास ए है उसमें से सेकेंड कॉलम सी टू, सी वन से सी टू घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि उसमें b है सो a माइनस बी मिल जाएगा आपको, a माइनस बी आपकी एक टर्म है, गॉट इट। ऐसे ही c2 में से c3 घटा दूंगा तो b माइनस सी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड में गिवन है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी हमें प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कॉलम वन पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, C1 माइनस C2, दूसरा कॉलम टू पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, C2 माइनस C3, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, और ये किस किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम ऐसा, यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स, ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए, सो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट वन है और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट भी वन है, सो वन माइनस वन, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट ए है और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट बी है, सो ए माइनस बी, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट है ए क्यूब और सेकेंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है बी क्यूब, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे ही ये अप्लाई करेंगे, कॉलम टू पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम टू पे ऑपरेशन क्या रहेगा देखिए, कॉलम टू का फर्स्ट एलिमेंट है वन और उसमें से कॉलम थ्री का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वो वन है। कॉलम टू का सेकेंड एलिमेंट है बी और कॉलम थ्री का सेकेंड एलिमेंट है सी, सो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। कॉलम टू का थर्ड एलिमेंट है बी क्यूब और कॉलम थ्री का थर्ड एलिमेंट है सी क्यूब, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। कॉलम थ्री में हमने कोई चेंज किया नहीं, सो वो एज इट इज वन सी सी क्यूब, ठीक है, ऑल इज वेल। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, सो ए माइनस बी
और b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं हम। क्यों कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि ये हो जाएगा जीरो आपका, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। सो ये हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो। अब इसमें से फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी आप बाहर ले सकते हैं और सेकंड कॉलम में से b माइनस सी आप बाहर ले सकते हैं। उससे पहले आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सो ये मैं बता देता हूं आपको, ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है आपकी, x माइनस वाई होल क्यूब। तो क्या मिलेगा आपको इसमें, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी है, ये नाइन्थ क्लास में पढ़ी होगी आपने। इनको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होंगी x और y की, चाहे जो भी वैल्यू हो, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x एंड y, लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। गॉट इट? पर हमें क्या चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी x क्यूब माइनस y क्यूब क्या आ जाएगा यहां से, x क्यूब माइनस y क्यूब विल बी इक्वल टू x माइनस y होल क्यूब। ये देखिए, इसको पूरा उधर ले जाऊंगा, प्लस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो हमें जो चाहिए वो यहां से मिलेगा, यानी कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैं ये लिख सकता हूं, और इसमें देखिए x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, जिसको कि हम कॉमन ले लेंगे यहां पे, ठीक है। सो पहले हम ये लिख लेते हैं आइडेंटिटी का यूज करते हुए। सो ये जीरो, ये a माइनस बी, और यहां a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। गॉट इट? इसको यूज करते हुए सेकंड केस में जीरो b माइनस सी, और b क्यूब माइनस सी क्यूब को क्या लिख सकता हूं, b माइनस सी होल क्यूब प्लस थ्री बी सी b माइनस सी। गॉट इट? ठीक है जी, वन सी सी क्यूब, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे, टेकिंग आउट a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन से a माइनस बी और कॉलम टू से b माइनस सी, ठीक है। तो अब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू जो कॉमन लिया है वो लिखेंगे पहले, ठीक है। सो कॉमन क्या लिया है हमने, a माइनस बी एंड b माइनस सी। अब डिटरमिनेंट है आपके पास जीरो, a माइनस बी हमने फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया तो वन बच गया, यहां से भी a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, सो इस केस में a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, ये बच गया। गॉट इट? चलिए, जीरो b माइनस सी कॉमन ले लिया तो वन बच गया, और यहां से b माइनस सी कॉमन लिया तो b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस थ्री बी सी। गॉट इट? सो वन सी सी क्यूब, ये आ गया आपके पास आंसर। कॉमन कैसे लिया हमने, यूजिंग प्रॉपर्टी फोर। सो यूजिंग प्रॉपर्टी फोर, प्रॉपर्टी फोर क्या है कि किसी रो या कॉलम में से अगर कुछ आप बाहर ले सकते हैं, कॉमन आउट कर सकते हैं, तो कर लीजिए। ओके, अब आगे क्या करें, अब या तो आप यहीं इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड किसके अलोंग करेंगे, एक्सपेंड इसके अलोंग करेंगे हम, जो फर्स्ट रो है आपकी उसमें दो जीरो है आपके पास, ठीक है। या फिर आप एक और ऑपरेशन कर लें, इन ये जो दो वन वन है इनमें से भी एक जीरो कर सकते हैं आप, जैसे कॉलम वन में से कॉलम टू घटा दें आप, कॉलम वन पे ऑपरेशन लगा दें, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, सो ये वन माइनस वन हो जाएगा, पर उसमें फिर ये टर्म्स भी आपको घटानी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, यही एक्सपेंड कर देते हैं, दो जीरो हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लिख देता हूं मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग
अलोंग रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। ओके, रो वन के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, सो डिटरमिनेंट आपका हो जाएगा, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी, और इसको एक्सपेंड करेंगे उसके लिए क्या चाहिए, पहले तो ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट जो है ये होगा आपका ए वन थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सो माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जे, और आई है वन और जे है थ्री, फिर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सपेंड करने का तरीका है हमारा, एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट है वन आपका, ठीक है जी, फिर फर्स्ट रो को भूल जाइए और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर हम, ठीक है। सो मैं पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखता हूं उसको, फिर कैलकुलेट करेंगे। सो डिटरमिनेंट किसका, वन ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, एंड ये वन बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस थ्री बी सी, गॉट इट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नाउ ए माइनस बी, बी माइनस सी, माइनस वन पे पावर हो जाएगी फोर, बिकॉज वन प्लस थ्री कितना हो गया, फोर हो गया, तो माइनस वन की पावर इवन है तो प्लस वन में कन्वर्ट हो गया वो, सो वन इंटू वन वन ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। अब इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, सो वन मल्टीप्लाई दिस, सो ये आ जाएगा बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस थ्री बी सी, माइनस कर देंगे ये मल्टीप्लीकेशन, और ये कितना होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ठीक है, दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी ये। ओके जी, चलो अब एक्सपेंड कर दीजिए आप, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसको एक्सपेंड कीजिए, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस थ्री बी सी, एक टर्म माइनस, अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसको एक्सपेंड करूंगा ना, इसको एक्सपेंड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, बाहर माइनस है वो इनसे मल्टीप्लाई होता रहेगा, सो माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस प्लस टू ए बी आ जाएगा, माइनस थ्री ए बी एज इट इज, ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहां देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म्स बची सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इनको लिख लेता हूं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी हटा दीजिए, थ्री बी सी माइनस टू बी सी, थ्री बी सी माइनस टू बी सी, तो ये प्लस बी सी बच जाएगा, इन दोनों टर्म्स का भी काम हुआ, 2ab माइनस 3ab, सो ये माइनस ab बच जाएगा, ये दोनों टर्म्स भी सॉल्व हुई, ठीक है जी। आगे देखिए a माइनस b, b माइनस c, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो इसको लिख सकता हूं c माइनस a एंड c प्लस a, लिख सकता हूं प्लस, यहां पे b कॉमन ले लीजिए c माइनस a, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए c माइनस a यहां भी है और c माइनस a यहां भी है, तो इसको बाहर कॉमन ले लेंगे हम, तो a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ठीक है, c माइनस a लेने से के बाद जो बचा क्या बचेगा, c प्लस a प्लस b, सो c प्लस a प्लस b, तो ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड, और या यूं कहूं ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई, क्योंकि यही प्रूव करना था आपको, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c, ये देखिए ये रहा एक्सप्रेशन, ठीक है, सो प्रूव कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। नंबर 9 देखिए, इस क्वेश्चन में किसी रो या कॉलम में सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है तो यहां जीरो नहीं कर पाएंगे हम। सो सेकंड ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास कि जो राइट हैंड साइड में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चले हम। सो राइट हैंड साइड में आपको x माइनस वाई चाहिए, y माइनस z चाहिए, z माइनस x चाहिए। सो वो कैसे आएगा, x माइनस वाई आ सकता है, x है आपका रो 1 में और y है रो 2 में। सो रो 1 माइनस रो 2 करने से x माइनस वाई आ जाएगा, गॉट इट। ऐसे ही रो 2 में y है और रो 3 में z है, सो रो 2 माइनस रो 3 करने से y माइनस z आ जाएगा। सो दो टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास जो राइट हैंड साइड में है। सो लेफ्ट हैंड पे ऑपरेशन करते हैं हम। सो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपको। डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई, ये डिटर्मिनेंट है। चलिए अप्लाई करते हैं इस पे ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन करते हैं, अप्लाइंग रो 1 पे क्या अप्लाई करता हूं, रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 पे अप्लाई क्या करता हूं, रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, चलिए। सो योर डिटर्मिनेंट विल बी, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू रो 1 के एलिमेंट क्या है आपके, x, और रो 2 का उसमें से माइनस करना है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, y। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मतलब रो 1 का भी फर्स्ट एलिमेंट और रो 2 का भी फर्स्ट एलिमेंट। सो इनका डिफरेंस लेंगे बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन। तो रो 1 का सेकंड एलिमेंट है आपका एक्स स्क्वायर, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा रो 2 का सेकंड एलिमेंट जो कि है वाई स्क्वायर। रो 1 का थर्ड एलिमेंट है आपका वाई जेड, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा रो 2 का थर्ड एलिमेंट जो कि है जेड एक्स। ठीक है, तो रो 1 पे ऑपरेशन कर दिया हमने, रो 2 पे भी आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। सो रो 2 पे क्या, रो 2 माइनस रो 3। सो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट है y और रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट है z, सो y माइनस z। रो 2 का सेकंड एलिमेंट है y स्क्वायर और रो 3 का सेकंड एलिमेंट है z स्क्वायर, सो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। रो 2 का थर्ड एलिमेंट है zx और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है रो 3 का थर्ड एलिमेंट जो कि है xy। रो 3 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, सो z z स्क्वायर एक्स वाई सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास ये है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, लाइक दैट। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख लेता हूं मैं। तो x माइनस वाई हमें कॉमन लेना है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें से कॉमन लेना है और बचना क्या चाहिए, x माइनस वाई बचना चाहिए, ठीक है। सो देखिए ये टर्म मैं यहां लिखता हूं, वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इन दोनों में कॉमन है जेड, जेड कॉमन लिया तो वाई माइनस एक्स बच गया, बट मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, माइनस और कॉमन ले लेता हूं। सो माइनस जेड कॉमन लेने पे एक्स माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है। सो इसको यूं ही लिखता हूं, माइनस जेड एक्स माइनस वाई, ये हो गई टर्म आपकी। सेकेंड रो में देखिए, सेकेंड रो में वाई माइनस जेड है, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं y माइनस जेड y प्लस जेड, और यहां माइनस x कॉमन लूंगा उससे मेरे पास आ जाएगा y माइनस जेड, ठीक है। थर्ड रो में z z स्क्वायर एक्स वाई, चलिए अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से, टेकिंग आउट taking out x minus y and y minus z from
रो वन एंड रो टू, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी फोर, यूजिंग प्रॉपर्टी फोर। चलिए डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। एक्स माइनस वाई कॉमन लेने से ये वन आ गया, वाई माइनस जेड कॉमन लेने से ये वन आ गया, जेड एज इट इज। यहां पे आपके पास एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और ये जेड स्क्वायर बच गया। यहां आपके पास वैल्यूज बच गई माइनस जेड, माइनस एक्स, एक्स वाई। अभी इस पे और ऑपरेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स भी चाहिए। सो जेड माइनस एक्स आपको कैसे मिल सकता है, ये टर्म देखिए x प्लस वाई है और ये y प्लस जेड है। सो x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड अगर मैं कर देता हूं, सो y y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, सो y से y कैंसिल, x माइनस जेड आ जाएगा। और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल। सो क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं और ऑपरेशन, क्या आर वन, आर वन माइनस आर टू अप्लाई कर देते हैं इस पे, ठीक है। देखिए उससे क्या होगा, नया डिटरमिनेंट आपका आया एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड, और ऑपरेशन अप्लाई करने से 1 माइनस वन तो जीरो हो गया, और x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड करने से मैं सीधा ही लिख देता हूं जो यहां सोल्व किया है, माइनस जेड माइनस एक्स ले लिया हमने, ठीक है। ऊपर वाले टर्म में देखिए माइनस जेड माइनस एक्स, सो माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, ठीक है। सेकेंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं किया हमने, सो ये एज इट इज माइनस एक्स और जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, गॉट इट। चलिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम, जीरो माइनस z माइनस एक्स है। यहां देखिए ये माइनस z माइनस माइनस, तो ये माइनस z प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x माइनस z है आपके पास। इसको करना क्या है आपको, z माइनस एक्स, तो यहां भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से ये z माइनस एक्स हो जाएगा। तो लिख दूं यहां माइनस कॉमन और ये हो गया z माइनस एक्स, ठीक है। तो वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड z स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है जी। अब यहां से भी आप कॉमन ले सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, अब y माइनस जेड और z माइनस एक्स ये कॉमन आ गया, जीरो वन जेड, ये कॉमन कहां से लिया आपने, इस रो में से, फर्स्ट रो में से ले लिया, ठीक है। तो माइनस वन माइनस वन, y प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स वाई, ये टर्म्स आ गई आपके पास। अभी एक ऑपरेशन और करते हैं हम इस पे, क्या ऑपरेशन करेंगे, सी टू माइनस सी थ्री। सो हम यहां अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सी टू पे अप्लाई करेंगे सी टू माइनस सी थ्री। सो नया जो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा वो कुछ यूं आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है सेकेंड कॉलम पे। सो माइनस वन, उसमें से माइनस करना है कॉलम थ्री का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कि माइनस वन है, वाई प्लस जेड माइनस करना है आपको माइनस एक्स इसमें से, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो माइनस वन माइनस एक्स, एक्स वाई, कॉलम थ्री में कोई चेंज नहीं करना है, वो सेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। सो ये डिटरमिनेंट क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जीरो वन जेड, माइनस वन
प्लस वन जीरो मिल जाएगा आपको, y प्लस जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये माइनस वन माइनस एक्स एक्स वाई। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, ठीक है, सो एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, क्योंकि उसमें दो जीरो है और ये जो एलिमेंट है आपका ये हो जाएगा, ये है आपका ए वन थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, माइनस वन टू दी पावर i प्लस j जो कि है वन प्लस थ्री। ये एलिमेंट क्या है आपका, ये भी माइनस वन है। डिटरमिनेंट क्या बचा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाने पे, वो बचा आपके पास वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलिए अब एक्सपेंड करते हैं इसका, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, माइनस वन पे पावर फोर है तो प्लस वन हो गया, ये माइनस वन बच गया हमारे पास, सो माइनस वन एज इट इज। इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं, सो z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो z मल्टीप्लाई एक्स, सो मैं पहले ही माइनस लिख लेता हूं सबके आगे, एक्स जेड हो जाएगा, माइनस वाई जेड हो जाएगा और माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस कैसे लिखा, क्योंकि ये मुझे सारा ही माइनस करना था z से मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई प्लस जेड को, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज अब नेगेटिव में आ गई, जिसको कि आप कॉमन ले सकते हैं, सो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, या यू कर लीजिए, ये माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो माइनस एक्स वाई इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई हो जाएगा, फिर वाई जेड हो जाएगा और फिर एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर है रूट,